नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। कल जब हम लाइव कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और उन्होंने कमेंट किया था कि शिवम भाई, जो देवरिया के बच्चे हैं यानी कि यूपी में है, ये उनका भी वीडियो बनाइए। तो आज हम उनका वीडियो बना रहे हैं और ये भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं और लगभग यहाँ पे 4-5 महीनों से ये हैं। इनसे ही पूछेंगे और बात करेंगे कौन कौन सी बुक फॉलो करते हैं और अभी किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ आपकी थोड़ी मदद हो पाएगी, और मदद हो पाती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से दिल्ली के मुखर्जी नगर में तैयारी करने के लिए यूपीएससी के आए हैं, बता। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं देवरिया ज़िले से हूँ। मैं इलाहाबाद में धे IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने 2 साल में अपनी कोचिंग पूरी की है यूपीएससी की, और मुझे आगे जो है मेंस IAS के जो टेस्ट पेपर होते हैं उसके लिए टेस्ट सीरीज मुझे ज्वाइन करनी थी। इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ऐसा तो है नहीं कि हम क्वालिफाई कर लेंगे। हमें टेस्ट पेपर सॉल्व करने ही होते हैं और वहाँ पे वो टेस्ट पेपर मतलब जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाते थे, और यहाँ पर हमें तरह तरह के दृष्टि के हुए, दृष्टि के जबकि अच्छे हैं और फिर विजन के टेस्ट पेपर जो है काफ़ी अच्छे हैं, तो वो मुझे मिल जाएंगे अवेलेबल। यही तो क्या आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से? जी मैं हिंदी मीडियम से हूँ। इलाहाबाद, आपने बताया कि इलाहाबाद से आपने किया है, तो इससे पहले कि आप इलाहाबाद में ही रहते थे? हाँ हाँ, इलाहाबाद में मैंने 2 साल कोचिंग की और फिर PG में रूम लेके मैं रही हूँ वहाँ पे। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कौन सा है, क्योंकि बच्चों के साथ अगर कोई UPSC की तैयारी करता है तो ये सब्जेक्ट उसको लेना ही पड़ता है। आपने किस आधार पर अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो लिया? मैं वहाँ पे मतलब थी जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की, तो मैंने जो है सोशियोलॉजी से MA किया हुआ है। मेरा ग्रेजुएशन तो BSc रहा है फिजिक्स मैथ से, लेकिन मैं सोशियोलॉजी से MA की, और मैंने इसी बुनियाद पे मैंने सोशियोलॉजी को ही अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट था, क्योंकि समाज को लेकर देखने का एक तरीके से नज़रिया हमें पता चलता है सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम, और फिर कैसे किस प्रकार से मतलब हम इसमें सुधार ला सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट से भी कुछ कुछ चीज़ें पता चलती हैं, ताकि भविष्य में अगर हम IAS और क्या कहते हैं SDM अगर इसके पद पर रहते हैं तो हम किस तरीके से इसमें सुधार ला सकते हैं, इससे इसका पता चलता है। अभी आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब तो यहाँ अगर देखा जाए लॉकडाउन में आप कितने घंटे यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं लगभग, क्या नोट्स भी बनाते हैं, लिखते भी हैं? हाँ, मैं खुद अपने नोट्स भी बनाती हूँ। मैंने हिस्ट्री के बायोलॉजी हो गया मतलब हिस्ट्री के कई पार्ट सेक्शन वाइज मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, और मैं अपना प्रैक्टिस भी करती हूँ, क्योंकि बिना नोट्स बनाए जब तक आप अपना खुद का हैंडमेड नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको थोड़ा सा अधूरा सा लगता है कि मेरी प्रॉपर तैयारी नहीं है, और जब आप खुद से आप अपना नोट्स बनाते हो, टीचर जो पढ़ाया उसके नोट्स तो अलग हो लेकिन आपको अपने भी नोट्स बनाने होते हैं, तो मैंने काफ़ी नोट्स भी बनाए। इस समय मैं बायो के नोट्स बना रही हूँ और इससे पहले मैं हिस्ट्री के भी नोट्स बनाए हुए हैं। ये नोट्स हम अभी आपको दिखाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से कंप्लीट हुई और 10वीं 12वीं में आपका कितना स्कोर रहा था? अच्छा, 10th में मेरे 89.5% है और 12th में 89% है, और ग्रेजुएशन मैंने दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से किया हुआ है जिसमें मेरे 59% मार्क्स है। और एज की बात की जाए, आपकी एज कितनी है और क्या अभी आपने कोई अटैम्प्ट दिया है? हाँ, मैंने UPSC का एक अटैम्प्ट दिया हुआ है और UPPCS के 2 अटैम्प्ट दे चुके हूँ, लेकिन कुछ मतलब कमी थी इस वजह से मेरी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन इस बार है कि हाँ मुझे अपना 100% देना है, और फिर एग्ज़ाम की डेट्स भी है, कोविड की वजह से आगे बढ़ गई है तो मुझे 2-3 महीने का टाइम भी मिला है, तो मैं मेंस की भी मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करने की सोची है कि ताकि मैं उस समय तक अच्छा प्री के बाद मेंस में भी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कोविड की वजह से, ताकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके, मुझे जल्दी से जो है ये एग्ज़ाम मेरी क्लियर हो सके, तो इस वजह से मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पहले हमें क्या लगा था कि हमारी कहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जो अब आपने सही कर ली है? एक्चुअली मैंने जो फर्स्ट टाइम जो मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं उतनी मतलब तैयारी हो रही थी, मैंने फर्स्ट टाइम में मतलब प्रैक्टिस की क्या है क्या मतलब थोड़ा
पैटर्न समझे, क्योंकि मेरी फैमिली जो है बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि हाँ ऑफिसर हो या फिर ऐसा कुछ नहीं है, सब प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करते हैं, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने एक बार पेपर देखने के लिए दिया और दूसरी बार मैंने तैयारी की, तो उस समय कोविड का ही आ गया था और मैं फिर घर चली गई। घर पे इतने प्रॉब्लम्स होते हैं तरह तरह के, जो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई मुझे। और मेरे जीएस तो मेरी सही थी, लेकिन सी सेट में मुझे प्रॉब्लम हो गई, सी सेट में मार्क्स मेरे कम आ गए। और ये क्या कहें, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहें या मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, इस वजह से मेरे मार्क्स कम आ गए थे। इसलिए अब आपने उसकी पूरी तैयारी कर ली है और हमारे भी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से कामयाब होंगे। यहाँ अगर बात की जाए जिस पीजी में हम बैठे हैं, इसका नाम क्या है और ये जो टेबल वगैरह हैं आपको यहीं से मिलती हैं क्या? हाँ, ये अंशिका पीजी ने ही अवेलेबल करवाया है, पहले तो उन्होंने यही टेबल दिया हुआ था, लेकिन अभी जो है लॉकडाउन के, तो हमें बेड पे ही बैठ के ज़्यादा मतलब सही लग रहा था पढ़ना, तो उन्होंने भैया से बोला कि भैया आप एक टेबल अवेलेबल करा सकते हो या नहीं, तो उन्होंने बोला कि हाँ करवा सकते हैं, तो दे दिया उन्होंने। यहाँ हम जिस बच्चे के रूम में भी जाते हैं हमें ये मैप वहाँ ज़रूर दिखाई देते हैं। और यहाँ आपने ये भी लिख के लगाया हुआ है IAS, ये आपने लगाया है और इसके ऊपर एक मैप भी लगा। लोगों को क्या मदद मिलती है जो स्टूडेंट होते हैं तैयारी करने वाले, इनसे वो क्या मदद ले पाते हैं? ये जो है आपको ज्योग्राफी में जो होते हैं, ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में तो वर्ल्ड का जो है मतलब जगह जगह कौन सी किस प्रकार की भूमि है, कहाँ पे कौन सी झीलें और नदी हैं, इन सब का हमें एक रोज़ देखने से भी हमें एक तरफा माइंड जो है वो हो जाता है। और मेंस में इवन होता है कि मैपिंग आपको खुद करनी भी होती है, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें बतानी होती है, तो इससे हमें ये कि मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं सामने है तो फिर हम उठ के हमने देख लिया यहाँ पर है ये चीज़, तो ये चीज़ें हमें पता चलती हैं। बुक्स कौन कौन सी फॉलो करते हैं आप, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं? बुक्स में मैंने वो बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास ले रखा है, स्पेक्ट्रम है, और क्या वो पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत की बुक है जो है पॉलिटी के लिए बेस्ट है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ जिस बच्चे से पूछता हूँ वो एम लक्ष्मीकांत की ही बुक क्यों बताता है, हर बच्चा इस बुक को क्यों पढ़ता है, आखिर इसमें है क्या? एम लक्ष्मीकांत में मतलब बहुत अच्छे से डीपली एनालिसिस के द्वारा उसको बताया गया है, ठीक, और मतलब मैंने नोट्स भी बनाया उससे, काफ़ी अच्छा है उसका। इसके अलावा कौन सी बुक्स पढ़ते हैं आप? इसके अलावा मैं मतलब ऑनलाइन आपको जो है काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, नोट्स वोट्स और लेक्चर जो हैं काफ़ी अवेलेबल है, तो मैं ऑनलाइन ही लेक्चर जो मेरे पास मतलब सारी बुक्स तो है मेरे पास, लेकिन जो मतलब हमें नोट्स बनाने होते हैं खुद के, तो हम लेक्चर जो है देख के उसके एनालिसिस करके हमें अपना रिविजन और नोट्स बनाते रहते हैं। आज आपको कई हज़ार लड़कियां भी देख रही होंगी, लड़के भी देख रहे होंगे और जो आपके वहाँ के देवरिया के बच्चे हैं वो भी देख रहे होंगे, जो लड़कियाँ आना चाहती हैं खास करके, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? कि यहाँ जो दिल्ली का माहौल है थोड़ा सा, तो इस समय कोविड के वजह से थोड़ी सी मतलब एजुकेशन की स्थिति जो है थोड़ा वो हो गई है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे, और जब इस वजह से, और जो लोग घर चले गए हैं वो अगर मतलब कोविड के वजह से अगर घर चले गए हैं, तो भाई अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो आप पढ़िए। और यहाँ पे मतलब एरिया और जो एजुकेशन का जो बुक्स वुक्स होती है काफ़ी अच्छे से अवेलेबल हो सकती हैं। आप ऑनलाइन जो है टेस्ट सीरीज, अगर जिसके फैमिली में अगर प्रॉब्लम है, घर पे पढ़ नहीं पाते हैं वो लोग, कुछ फैमिली इशू रहती हैं, मतलब इंसान घर पे नॉर्मल ही होता है कि वो पढ़ पाता है, तो आप यहाँ पर आओ अपना पीजी में ऑनलाइन जो है लेक्चर मतलब कर लो, ऑनलाइन क्लासेस कर लो आप, उसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अपने मम्मी पापा के लिए जब हम दूर रहते हैं और वो हमें इतना बड़ा करते हैं तो उनकी अक्सर हमें याद कभी ना कभी आ जाती है, उनके लिए आप क्या मैसेज यहाँ छोड़ना चाहेंगे? मैं वैसे तो कोविड का ये चल रहा है, लेकिन मेरे मम्मी पापा मतलब बहुत वो अंदर एक अपने बच्चे को दूर रख के, वो भी ऐसी महामारी में बाहर रखे हुए हैं, तो उन्हें डर तो बना रहता है ये सब का कि मेरी बेटी कैसी होगी या मेरा बच्चा कैसा होगा, लेकिन उन्हें भी है कि हाँ विश्वास है या फिर जो भी है कि हाँ हम सक्षम है अपना ख्याल रखने में, हम अपनी तबीयत को कैसे रख सकते हैं, तो थोड़ा सा उनको भी इसमें साहस दिखाना होगा, तभी हम जो है लड़कियां हैं, और लड़कियों को तो मेन माँ बाप का इतना सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ भी सकती हैं, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं।
आपने जो नोट्स बनाए हैं वो कौन कौन से नोट्स बनाए हैं, किस किस सब्जेक्ट के बनाए हैं? मैंने हिस्ट्री के, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ों के नोट्स बनाए हैं। कुछ बच्चे देखना भी चाहते होंगे, उनको हम दिखाएंगे भी कि किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से नोट मेकिंग करनी चाहिए वो। देखिए, ये एंशियंट हिस्ट्री की नोट्स है जो कि मैंने स्टार्टिंग से शुरू की है, जो कि हमारा ये प्राचीन काल से शुरू होता है। प्राचीन काल में कितने वो हैं, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति और भी हैं इसमें। तो मैंने उसके जो है मैपिंग वाइज, मतलब अगर मध्य पाषाण काल में है तो कौन कौन से क्षेत्र थे, प्रतापगढ़, आदमगढ़, या बागोर, सांभर, लंगनाज, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मैंने मतलब मैपिंग वाइज बनाई हुई है। तो अगर इस तरीके से लोग मतलब बनाएंगे तो उन्हें काफ़ी हेल्प भी मिलेगी, और ऐसा बनाने से मुझे मतलब लास्ट टाइम में ऐसा है कि मैं तुरंत रिवीजन कर सकती हूँ। ठीक, और आपने बहुत सारे नोट्स बना दिए, यहाँ पे काफी टाइम लग गया होगा इसमें तो। हाँ, ये हिस्ट्री की है और टाइम तो लगा है, लेकिन हाँ तैयारी चल रही है तो उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। और हिस्ट्री की है, और उसके बाद ज्योग्राफी की है, फिर पॉलिटी की भी कुछ है, कुछ कुछ ऐसे भी नोट्स ज्योग्राफी के हैं, कुछ कुछ नोट्स ऐसे हैं जैसे अगर मतलब मुझे नहीं समझ में आता तो मैं दोबारा भी उसके नोट्स बनाती हूँ। और फिर मैपिंग के पर्पस से है, तो मैपिंग में जैसे मैंने इंडिया का मतलब ये जो भारत के जो नदी तंत्र होते हैं वो कैसे हैं यहाँ पर, ये चीज़ बताई गई है, और कुछ कुछ इसके बारे में लिखा भी हुआ है कि गंगा नदी मतलब किस किस राज्य से होकर जा रही है, सिंधु नदी तंत्र हुआ तो ये कहाँ की है, इसके बारे में पूरा लिख के मैंने अलग से वो किया हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है। आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की हुई है, और उसके अलावा भी आपने यहाँ और भी बनाए हुए हैं, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा हुआ है, 2 महीने तो लगे होंगे। हाँ, ये कई महीनों की प्रैक्टिस है, ये मतलब तो एग्ज़ाम साल भर के बाद ही होता है, 1 साल का हमें समय मिलता है, तो हम अपना इस तरह प्रैक्टिस करते रहते हैं। फिर जो 3 महीने जब मिलते हैं, अब मतलब मुझे एग्ज़ाम देना है तो मैं जो है टेस्ट पेपर भी लेकर आई हुई हूँ, तो अब इस समय टाइम बढ़ गया है, तो मैं टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस तो अभी नहीं स्टार्ट की, मैंने अभी नोट्स मेरे कुछ बाकी थे। अच्छा हुआ कि पेपर का जो टाइमिंग भी था वो भी बढ़ गया, मुझे और एक्स्ट्रा टाइम मिला, मेरे जो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है वो जो है कंप्लीट हो सकते हैं। जैसे कि साइंस के भी कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि बायोलॉजी का मैं अभी इस समय मैंने शुरू किया था, लेकिन बीच में मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, तो ये मैंने हर्ट का मैं फिर से स्टार्ट की हूँ, ये हर्ट्स के सेकेंड ये सब हैं, ये सारे नोट्स ये आपने बनाए हैं सारे के जी। सारे? हाँ, ये नोट्स हैं सारे, ये बनाए हुए हैं। ये कौन से सब्जेक्ट के हैं? ये उसके हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट के हैं ये सब। हार्ट का है ये, इसमें हार्ट का पूरा सेक्शन वाइज बताया गया है, प्योर ब्लड ब्लड और इम्प्योर ब्लड के बारे में, और यहाँ पर है कि मतलब कैसे प्योर ब्लड कैसे आता है लंग्स में, और फिर ये इम्प्योर ब्लड कैसे मतलब जा रहा है फिर अंग से, और फिर टिश्यू टिश्यू से सेल, और फिर वो एंटर करता है इम्प्योर ब्लड बन के, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमने इनसे बात की है, और अगर कुछ रह गया है और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम देखेंगे और फिर आपको बताएंगे। ऑप्शनल जो था वो भी हमने पूछ लिया है, और किस तरीके से ये पढ़ाई कर रहे हैं वो भी मैंने पूछा है, और जो खास करके हमारी पूरी कोशिश रहती है, जो बच्चे ऐसी जगह से हैं जहाँ पे कोई उन्हें गाइड करने वाला नहीं है, उन्हें थोड़ी सी मदद मिले, और उसके लिए ही हम ये वीडियो बना रहे थे और बनाए भी है। आप लड़कियों को कुछ कहना चाहेंगी, खास करके लड़कियों के लिए? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो है लड़कियाँ जो है अगर पढ़ना चाहती हैं तो वो अपने पढ़ने पर ही फोकस करें, और बाहर में जो है बाहर भी निकलें तो गार्जियन जो है, मम्मी पापा जो है उनको सपोर्ट करें, क्योंकि लड़कियाँ अगर कुछ करने का सोच रही हैं या ठान रही हैं तो वो करती हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि हमें अपने मम्मी पापा को करके दिखाना है, और ऊपर से लड़कियों को बाहर जल्दी भेजा भी नहीं जाता है, और अगर भेजा भी जा रहा है तो उन्हें काफ़ी ट्रस्ट करके ही भेजा जाता है, बाहर रखा जाता है। तो यही है, लड़की अपना मेहनत कर पढ़ाई पे फोकस करें। बिल्कुल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही,
जय हिंद, वंदे मातरम।